तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, और स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग कर रहे हैं वन वर्सेस वन और एक बार, और इस बार कर रहे हैं हम प्रणव सूर्या प्लेस के साथ वन वर्सेस वन। तो चलिए गाइस, वीडियो पर बने रहिएगा, और चैनल पर नए हो गाइस तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और बेल को भी ऑल पर कर देना। तो चलिए, यहाँ पर मैच स्टार्ट हो चुका है, और हमेशा की तरह मैं इस बार भी G80 नहीं ले पाया, पता नहीं क्यों मेरा गेम थोड़ा डिले करता है। तो यहाँ पर हम फिर से फिस्ट ही चलाएंगे, और यहाँ फिस्ट चलाते हैं, और भाई साहब मुक्के से ही मार दिया हमने। तो 1-0 से हम लोग आगे हो चुके गाइस। ले लेते हैं यहाँ डबल बैरल ले लेते हैं, और ग्लूअर ले लेते हैं, उसके बाद हेलमेट। तो यहाँ हमने ले लिया ग्लूअर, उसके बाद शॉटगन। तो चलिए अब बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे सूर्या भाई कहीं नहीं दिख रहे हैं, देखते हैं हमारे सूर्या भाई कहाँ से आते हैं। फिलहाल दूर दूर तक हमारे सूर्या भाई नज़र नहीं आ रहे, तो लगता है सरवाइव करके खेल रहे हैं। चलिए गाइस, अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अरे भाई पीछे से कैसे आ गए, नीचे से आ गए। अरे यहाँ पड़ा है गाइस, पड़ा है, और यहाँ एक शॉट के बचा है गाइस, एक शॉट का बस बचे हैं सूर्या भाई हमारे, और यहाँ पूरी तरह से पैक हो चुके हैं। तो चलिए हम मेडिकेट मार लेते हैं जल्दी से, और फिलहाल हमारे सूर्या भाई को हम ग्लूअल में फंसा के भाग जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, हम जोन में जाते हैं ग्लूअल लगाते लगाते। तो हमारे सूर्या भाई कौन सी जगह है, वो रहे नीचे हैं। तो यहाँ G18 से हमने दिया है डैमेज, तो यहाँ पर हमें अभी गाइस नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि जोन बनेगा वो नीचे ही बनेगा, तो यहाँ हमें नीचे जाना होगा। हमारे सूर्या भाई इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ नीचे। तो चले गाइस नीचे जाते हैं, यहाँ हमारे सूर्या भाई यहाँ पर बिल्कुल नीचे यहाँ डेजर्ट ईगल लेके खड़े हैं। तो चलिए अब नीचे जंप करते गाइस, ग्लूअल पकड़ के जंप कर लेते हैं, और यहाँ पहले ग्लूअल लगा देते हैं कवर के लिए, और जोन आ रहा है फिलहाल। तो यहाँ हमने जंप कर दिया 1-2-3, और यहाँ हमारे सूर्या भाई को ग्लूअल के पीछे से ही हमने टपका डाला। तो यहाँ हो चुका है हमारे 2-0 से आगे हो चुके हम लोग, और बहुत ही ओपी तरीके से हमने सूर्या भाई को मारा। वैसे हमारे सूर्या भाई भी अच्छे प्लेयर हैं गाइस, ऐसा मत सोचना कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, ऐसे फ्रेंडली कस्टम में थोड़ा गेम प्ले थोड़ा क्या कहते हैं अच्छा नहीं होता, तो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं लोकेशन कहाँ पर है, लोकेशन अभी पता नहीं चल रही मेरे को। तो आप एक बार गाइस उनके चैनल को भी सर जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करना, प्रणव सूर्या प्लेस है सूर्या भाई का चैनल, तो उनके चैनल को भी जाके ज़रूर चेकआउट करना। और फिलहाल हम अभी साइड से जाते हैं, हमारे सूर्या भाई पता नहीं कहाँ पर घर के अंदर, शायद घर के अंदर कैंपिंग कर रहे हैं भाई। क्लैश स्क्वाड में तो कैंपिंग क्या करना गाइस, पूरा सामने सामने आके मारना होता है इसमें। तो देखते हैं, फिलहाल हम घर में भी घुस चुके हैं, लेकिन यहाँ हमारे सूर्या भाई कहीं नहीं दिख रहे, शायद ऊपर भी फ्लोर में हो सकते हैं। तो यहाँ हम उनका इंतज़ार करेंगे, यहाँ से भी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं ग्लूअर लगाते लगाते। पता नहीं, शायद छत के ऊपर ही हैं। तो हम नीचे उतरने का इंतज़ार करते हैं, और ये भाई साहब ग्रेनेड फेंक रहे हैं। ग्रेनेड तो भाई नहीं लेना, ग्रेनेड तो अलाउड ही नहीं था, और ये ग्रेनेड पर ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, पता नहीं क्यों ग्लूअल भी लगा दिया है। भाई साहब ग्रेनेड मत फेंको यार, वैसे कोई ऑप्शन भी नहीं है ना गाइस, जैसे ग्लूअल अनलिमिटेड करने के लिए, तो गाइस फिर
ग्रेनेड भी अनलिमिटेड हो जाता है। और ये हमारे सूर्या भाई कूदे और ये भाई साहब जोन से ही एलिमिनेट हो गए। मेरे हाथों नहीं मरना चाहते थे, जोन ही से मर गए। तो ये हम 3-0 से ओपी तरीके से आगे चल रहे हैं अभी। और हमारे पास है एक्समेट, उसके बाद हम भी ले लेते हैं ग्रेनेड, क्योंकि अगर उसके पास ग्रेनेड रहेगा और मेरे पास नहीं तो गाइस अनफेयर हो जाएगा, इसीलिए मैं भी ले लेता हूँ ग्रेनेड। तो यहाँ चलते हैं हम ऊपर से टायर से जंप करते करते, और ये देखते हैं हमारे सूर्या भाई कौन सी जगह पर हैं। वो रहे दिख गए यहाँ पर, एल शेप के ऊपर हैं, तो हमने उन्हें स्पॉट कर लिया है, उन्होंने हमें नहीं किया है, तो ये है हमारे लिए एक एडवांटेज। तो चलिए अब जाते हैं गाइस, साइड से जाएंगे। वो रहे ग्लू वॉल लगा के मस्त बैठे हैं और कैंपिंग कर रहे हैं, क्लैश स्क्वाड में कैंपिंग। ऐसा हमारे सूर्या भाई का शायद लॉन्ग रेंज अच्छा है, शॉर्ट रेंज उतना अच्छा नहीं है, इसलिए शायद वो डिस्टेंस बना के खेल रहे हैं। और यहाँ हम थोड़ा बेवकूफ़ बनाने के लिए ग्लू वॉल लगा देते हैं, और भाई साहब ग्रेनेड फेंकना शुरू। उसे लगा गाइस मैं वॉल के पीछे था, सच में भाई लोल हो गया। अभी भी हमारे सूर्या भाई एल शेप के ऊपर बरकरार हैं और जोन अभी आने ही वाला है, तो यहाँ हम भी ग्रेनेड फेंक देते हैं एक दो। क्या उन्हें मेरी लोकेशन पता चल गई है? अरे भाई यहाँ पर एक ग्रेनेड आया, नहीं पता चली है, वो बस ट्राई करके देख रहे हैं कि क्या वहाँ पर है। तो यहाँ पर जोन आते हुए गाइस, तो चलिए यहाँ पर हम बम फेंक देते हैं। और हमारे सूर्या भाई नीचे उतर चुके हैं, हम भी ग्लू वॉल लगा के, यहाँ पर हमारे सूर्या भाई ग्लू वॉल के पीछे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या हम उन्हें मार पाएंगे। और ये भाई साहब पूरे सामने आ चुके हैं और ये ग्लू वॉल के पीछे हैं, ग्लू वॉल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमने दिया उन्हें सरप्राइज। भाई 4-0 से हम लोग आगे चल रहे हैं, सूर्या भाई तो बहुत ही पीछे चल रहे हैं। चले ले लेते हैं AWM का पटका देंगे गाइस, 150 का पटका। चार जीरो से गाइस आगे चल रहे हम लोग। और गाइस आपको पता है ये वाला जो हम वर्सेस कर रहे थे ना, इसमें मतलब उन्हें वो सूर्या भाई खेलते हैं हमारे एम्यूलेटर पे, तो क्या हुआ गाइस कि वो ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे। मतलब ऐसा क्या हो रहा था ना, जो एम्यूलेटर प्लेयर्स का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो यस पे था कुछ सेटिंग्स, मैंने वो जो क्लैश स्क्वाड की सेटिंग होती है ना गाइस, उसमें मैंने एम्यूलेटर स्पेक्टेड पे यस पे तो किया था, तो हमारे सूर्या भाई जब ज्वाइन हो रहे थे तो उन्हें कुछ मैसेज दिखा रहा था कि यू कैन नॉट ज्वाइन, तो ऐसा करके, तो फिर 20-25 मिनट तो भाई ज्वाइन होने में लगे। फिर मैंने उन्हें आईडी और पासवर्ड दिया, फिर गाइस वो आईडी पासवर्ड डाल के स्पेक्टेट करने आए, उसके बाद मैंने उन्हें गेम में लिया। तो गाइस मैच के लिए हमने बहुत मुश्किल से मैच फिक्स हुआ, कम से कम गाइस 20 मिनट लग गए थे मैच फिक्स होने में। तो चलिए फिलहाल गेम की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे सूर्या भाई कौन सी जगह पर हैं, ग्लूवल लगाते लगाते हम जाते हैं उनके पास। वो रहे गाइस शायद वो रहे, हाँ दिख गए, और ग्रेनेड फेंकना चालू। अरे भाई भाई बचाओ बचाओ, ग्रेनेड लो, ग्रेनेड भाई तुम लो ग्रेनेड। अरे भाई सामने आ गए, अरे बीस की एचपी बची है, ग्रेनेड ने तो पूरा ख़त्म ही कर दिया था गाइस, 20 की एचपी बस बची। और फिलहाल जोन आ रहा है, तो यहाँ पर ग्लूवा लगाते हैं, हम भी ग्रेनेड फेंक देते हैं 2-3। भाई मैं तो यहाँ मरते मरते बचा, यहाँ पर ग्रेनेड ने मेरी लाइफ पूरी 20 कर दी थी। तो यहाँ सूर्या भाई पैक होके पूरा फेंक रहे हैं, हम उन्हें फंसा देते हैं ग्लू वॉल से, और ये भाई फिर से एलिमिनेट हो गए। क्या भाई, दो बार एलिमिनेट हो गए हमारे सूर्या भाई, दो राउंड एलिमिनेट हुए, ऐसा कैसे चलेगा? मारो भाई मुझे भी मारो, तो मुझे भी मज़ा आएगा, कोई टक्कर देगा तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ फ़िलहाल हमने डबल शॉटगन ले लिया है,
क्योंकि हम लोग अभी 5-0 से आगे चल रहे हैं, तो सोचा चलो शॉर्ट रेंज ले लेते हैं दोनों। तो देखते हैं हमारे सूर्या भाई कौन सी जगह पर हैं। चलते हैं, चल यहाँ पीछे से जाते हैं। और गाइस ये वीडियो थोड़ी ना मतलब 20-25 मिनट की बन रही थी, तो मैंने ना यहाँ पर जो स्पीड है ना वीडियो की वो मैंने थोड़ी बढ़ा दी, तो वो थोड़ी कम 17 मिनट की बनी है यहाँ पर। और ये भाई ग्रेनेड फिर से फेंकना शुरू। अरे भाई बचाओ, अरे यार ग्रेनेड से उड़ा दिया हमें। चलो 5-1 से अभी हमारे सूर्य भाई भी वापसी कर रहे हैं। हम ले लेते हैं शॉटगन है हमारे पास, उसके बाद ग्रेनेड वगैरह वगैरह और ग्लूवॉल। चलो ग्रेनेड फेंकते हैं। और ये गाइस ग्रेनेड का जो नया ऑप्शन आया ना, ये भी बहुत ही ओपी ऑप्शन है। मतलब हाथ में पकड़ो और ग्रेनेड को कुक करो 2 सेकंड, उसके बाद 2 सेकंड बचे तो ग्रेनेड को फेंक दो। तो भाई मतलब क्या है ना, आप पूरे स्क्वाड को भी उड़ा सकते हो ऐसा करके। तो ये फीचर तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। अरे हमारे सूर्या भाई तो कहीं नहीं दिख रहे, पता नहीं मिस्टर इंडिया हो गए शायद, इनविजिबल हो गए पता नहीं, शायद ना वो उधर से गए थे, वो अलग उस वाले रास्ते से। इस घर में भी नहीं है, मतलब यहाँ मेरे को ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ रहा है, पता नहीं यार ढूंढ ढूंढ के मारने में मज़ा नहीं आता गाइस। जैसे दो बंदा सामने आ जाए और पूरा तगड़ा वाला मैच चले उसमें मज़ा आता है। या फिलहाल ग्लूवल लगाते हुए लगाते आगे जाते हैं हम लोग। हमारे सूर्या भाई का कहीं अता पता नहीं, और कहीं गोलीबारी और एक बार बम भी नहीं फेंका उन्होंने, अभी भी नहीं दिख रहे। तो चलिए चलते हैं इधर, वो रहे वहाँ पर वो मिल गए, तो चलिए हम भी लगा लेते हैं ग्लूवल लगा लेते हैं और ग्रेनेड फेंकने की ट्राई करेंगे। या हम पीछे से जाएंगे, और भाई साहब ग्रेनेड फिर से फेंक रहे हैं। भाई ग्रेनेड से ही मारना है क्या, ग्रेनेड चैलेंज लिया क्या आपने, तो बता देते हमको भी। और भाई ग्लू लगा लेते हैं, यहाँ नहीं लगा। और हमारे सूर्या भाई 12 का डैमेज पड़ा, और मैं जोन में अटक गया गाइस, जोन में अटका दिया मेरे को। और ये मैं ही एलिमिनेट हो गया, जोन से एलिमिनेट हो गए गाइस। 5-2 से हम लोग, सूर्या भाई ने हमें 2 राउंड लगातार हरा दिया है। चलिए ले लेते हैं यहाँ MP40, उसके बाद शॉटगन नहीं लेंगे इस बार, लेंगे MP40 और ग्लू वॉल एंड ग्रेनेड। चलिए चलते हैं यहाँ गाइस, पीछे का रास्ते चलते हैं। भाई मेरे को बताना चाहिए था यहाँ ग्रेनेड अलाउड नहीं है, तो भाई और मज़ा आता है। यहाँ पर एक भी रेंज नहीं पकड़ रहा है MP40 का, तो यहाँ हमारे सूर्या भाई वो रहे। और यहाँ पड़ा है डैमेज, अराउंड 30 का डैमेज पड़ा है। अरे यहाँ पर भी पैक हो गए हैं, और चलिए चलते हैं यहाँ पर सूर्या भाई। यहाँ ग्लूवल के पीछे हैं शायद से, तो चलिए यहाँ पीछे से चलते हैं, उस वाले डोर से चलते हैं, इस यहाँ वाली सीढ़ी से। अरे भाई उधर चले गए, हमारे सूर्या भाई बहुत तेज़ हैं, मेरे को लगा ग्लूवॉल के पीछे और ये इधर भाग गए। हम भी ग्रेनेड फेंकते हैं गाइस, ग्रेनेड, देखते हैं हमारे ग्रेनेड से मरते हैं। और भाई ग्रेनेड, हमारा ग्रेनेड भी लग गया, और 6-2 से हम लोग हो चुके हैं आगे गाइस, और बस 1 राउंड बचा है और फिर हम जीत जाएंगे। तो चलिए ले लेते हैं AWM, उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है, रिपेयर किट ले लेते हैं। तो हम गंदा वाला हरा रहे हैं सूर्या भाई को, एकदम बुरा वाला। अगर हम ये मैच जीत गए ना गाइस, तो आपको वीडियो को ना लाइक करना पड़ेगा, और
अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर देना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितने भी लोग देख रहे हैं सब कर देना। और ये हमारे सूर्य भाई, तो यहाँ AWM से क्या हम मार पाएंगे? अरे नहीं लगा गाइस, मिस हो गया। चलिए चलते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। हमारे सूर्य भाई का हमने लोकेशन स्पॉट कर लिया है, वो वहाँ पर हैं सीमेंटेड हाउस के ऊपर। और ये गाइस नहीं लगा, एक्यूरेसी वाला मेरे को एबिलिटी लेना चाहिए था, वो एक्यूरेसी वाला कैरेक्टर का एबिलिटी। यहाँ पर हम वो कर लेते हैं, यहाँ पर इमोजी है ना हमारे बीच में, उससे थोड़ा, अरे ये 150 का लगा, देखा देखा इमोजी का फ़ायदा। यहाँ इमोट जो हमने बीच में लगाया गाइस, और यहाँ ग्रेनेड फेंकते हैं हम लोग। और हमारे सूर्य भाई नीचे कूद चुके, और ये ख़तरनाक वाला हमने उन्हें डैमेज दिया। हमारे सूर्य भाई का हेल्थ पूरा कम हो चुका है, तो चलिए हम पूरा रश करेंगे अभी उनके ऊपर। और ये ख़तरनाक वाला डैमेज हमने दिया हमारे सूर्य भाई भागते हुए। अरे नहीं लगा, AWM से मैं सोचा था मार दूंगा, मिस हो गया। हमारे सूर्य भाई का हेल्थ बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हमें उन्हें जल्दी से जल्दी मारना होगा। यहाँ हमारे सूर्य भाई इस घर के अंदर हैं, ये इस घर के अंदर जा रहे हैं, तो चले चलते हैं इस घर के अंदर। और हमारे पास MP40 है, तो यहाँ MP40 का स्प्रे देते हैं, और यहाँ AWM बदल के, और ये AWM दिया हमने, मज़ा आ गया। तो हम जीत चुके गाइस 7-2 से। और जैसा कि मैंने कहा था, आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, तो जाओ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चले गाइस, मिलते हैं और एक नई वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।